अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज ही मेरी रेसिपी है चिकन टमाटो करी की, और ये बहुत ही मज़ेदार है। देखिए कितनी मज़ेदार दिख रही है, ये बिल्कुल इजी टू मेक है। ये आप इसे लंच में या डिनर में कभी भी इसे बना सकते हैं, या चावल या पराठे के साथ भी खा सकते हैं आप। बहुत ही अच्छी रेसिपी मिलने वाली है, तो प्लीज़ स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरी वीडियो देखिए, स्किप मत करिए। जो व्यूवर्स मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब करिए, बाजू में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस करिए ताकि मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। तो स्टार्ट करेंगे हम आज की बहुत ही यम्मी सी रेसिपी, चिकन टमाटो करी की रेसिपी। यहाँ पर मैं हाफ के जी चिकन ली मैं बोन के साथ है, और इसे अच्छी तरह से धो के वॉश कर ली मैं। एक कढ़ाई लेंगे और इसमें 2 टेबलस्पून फुल वेजिटेबल ऑयल डालेंगे, और कुछ खड़े मसाले लेंगे। तेज पत्ता है 1/2 टीस्पून, शाजीरा है, 2 दालचीनी है, 3-4 लौंग है, ऐसे डाल देंगे। ये थोड़ा सा क्रैकल हुए पर से कुछ करी लीव्स डालेंगे, और एक प्याज डाल देंगे। प्याज को बिल्कुल बारीक सा चॉप कर ली मैं, तो प्याज को हम पहले सॉटे कर लेंगे। इसका कच्चा पन्ना निकले तक हम इसे सॉटे करेंगे, यानी पिंक हुए तक, टेंडर हुए तक सॉटे कर लेंगे प्याज को। 2 सूखी लाल मिर्ची डाली मैं, ड्राई चिली 2। तो प्याज देखिए टेंडर हो गई है, चिकन ऐड कर देंगे इसमें प्याज में, चलिए मिक्स कर लेंगे इसे अच्छे से। 2 से 3 मिनट इसकी भुनाई करेंगे चिकन की। क्वार्टर टी स्पून इतना हल्दी पाउडर डाल दी मैं, रेड चिल्ली पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट डाली मैं 1 टीस्पून, थोड़ा सा मिस हो गया दिखाना। नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, मिक्स कर लेंगे इसे अच्छे से, मिक्स कर लेंगे। तीन टमाटर है इसे स्लाइस में कट कर ली मैं, और ऊपर जमा देंगे हम टमाटर। मीडियम साइज के टमाटर थे ये। इसका लिड लगा दूंगी फिर मैं, 10 मिनट के लिए हम लिड लगा देंगे। फिर दस मिनट हो चुके हैं, इसे चेक कर लेंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही, टमाटर देखिए गल चुके हैं। मिक्स कर लेंगे इसे अच्छे से, मिक्स कर लेंगे। 1 टीस्पून में ज़ीरा पाउडर डाल रही मैं, और 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे। मिक्स कर लेंगे इसे अच्छे से। टमाटर का जो स्किन है उसे निकाल देंगे, यानी टमाटर के जो छिलके हैं उसे निकाल देंगे, इसे अच्छे से भुनेंगे। टमाटो प्यूरी ऐड कर रही हूँ मैं, रेडीमेड टमाटो प्यूरी, फुल 2 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ मैं। मिक्स कर लेंगे इसे अच्छे से, मिक्स करेंगे। टमाटो प्यूरी ऐड करके हम इसकी भुनाई करेंगे 2 से 3 मिनट तक। पानी ऐड कर रही हूँ मैं, फुल 1 कप है पानी। धनिया डालेंगे, धनिया के पत्ते। फिर से मैं इसका लिड लगा के रखूंगी, 7 से 8 मिनट तक दम पे रखेंगे। 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, देखिए माशाल्लाह से तैयार है। मैं इसे डिश आउट कर दे रही हूँ मैं, परफेक्ट है माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है।
थोड़ा सा धनिया की पत्ती ऐड करेंगे ऊपर से। तो ये देखिए माशाल्लाह से टमाटो चिकन करी बनके बिल्कुल तैयार है। देखिए कितनी यम्मी एंड डिलीशियस दिख रही है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। फ्रेंड्स मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।